भूमि पूजन किया है 25 तारीख के कार्यक्रम को लेकर, उस दिन कब उद्धव ठाकरे जी आएंगे और क्या उसकी रूपरेखा रखी जाएगी? उद्धव ठाकरे जी आएंगे 24 तारीख को, उससे पहले हम सब लोग, एकनाथ शिंदे जी है, विनायक राउत जी है, राजन विचारे साहब है हमारे, सभी सांसद, सभी MLA, सब लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता 24 को आ जाएंगे। जिस स्थान पर हम खड़े हैं वहाँ अयोध्या वासियों की तरफ से उनका सम्मान होगा, आशीर्वाद समारोह होगा, नृत्य गोपाल दास जी के अध्यक्षता में सभी सांतु साधु संत यहाँ रहेंगे, मंच पर आशीर्वाद मिलेगा उद्धव जी को, उनके कार्य के लिए, उनके संकल्प के लिए। शरू की आरती में जाएंगे 6 बजे। संजय सर, चूँकि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि 25 तारीख को माहौल इस कदर रखा जाएगा कि कोई भी रामलला के दर्शन के लिए ग्रुप बना के नहीं जा सकता, तो क्या ये माना जाए कि शिवसेना से के आने पर ये इस तरीके के बयान देना? नहीं नहीं, ठीक है, हमारी कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है। राज्य में कानून व्यवस्था रहनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, और इतना बड़े राज्य को चलाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारी बातचीत ठीक से हुई है, 24 और 25 के जो कार्यक्रम हमने तय किए हैं उस बारे में हमने प्रशासन को जानकारी दी है। आपका कहना है कि बाबरी विध्वंस में शिवसैनिकों का मुख्य रोल रहा है, और उसके बाद आज इतने बरस बाद शिवसेना को ये रामलला की याद क्यों आई? रामलला की याद तो हमेशा इस विश्व में जो भी हिंदू है उसके मन में और दिमाग में राम होता है। 25 साल हमने इंतज़ार किया, इसलिए इंतज़ार किया कि कभी ना कभी केंद्र में पूरी बहुमत वाली रामलला की सरकार आ जाएगी, और वो सरकार आने के बाद राम मंदिर बनेगा, ये हमारी हमेशा एक प्रभु राम के चरण में इच्छा रही। तो ये सरकार आ गई है श्री राम प्रभु की, अगर सरकार आने के बाद भी राम मंदिर नहीं बनता है तो उद्धव जी को यहाँ आना पड़ा है कि आपको याद दिलाने के लिए कि आप अपना राम मंदिर निर्माण का वादा भूल गए।